तो गाइस गुड मॉर्निंग। और रात को तो गाइस बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल गया था मेरे को, बिकॉज जो नए वाले भैया को मैं लेके जा रहा था आज, भैया वो कल रात को वो खुद ही मेरे ग्रुप में जाके चले गए, तो मेरे को बुरा लग गया। मैंने कहा कि यार मेरी परमिशन के बगैर आप मेरे ग्रुप में ही चले गए मुझे बिना बताए, तो इस कारण से मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं तो घर आ गया था और जस्ट अभी अभी मैं दूध लेकर आया हूँ, तो चलो गाइस चाय वाय बनाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि है ना, जो अपने इंट्यूशन होता है ना वो हमेशा सच होता है। लाइक मेरे को लग ही रहा था कि इनको है ना ज़्यादा ही लग रहा है ग्रुप ग्रुप में जाने का, तो मैं उनको मना कर रहा था कि भैया ज़्यादा मत घुसो, मैं सिर्फ उतना ही जाता हूँ जितना कि मेरे को लगता है कि हाँ बस थोड़ा सा मिलना ज़रूरी, दैट्स इट। इसके बाद में जाता नहीं, ज़्यादा नहीं घुसता, बिकॉज ज़्यादा घुसो तो फिर फ्रेंड्स लोगों के बीच में इश्यूज होने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ी दूरी ज़रूरी है। बट उनको तो जाना था तो चले गए, मेरी बात नहीं मानी। अब भैया आज तो मैं अपने सारे ग्रुप मेंबर से बोल लूँगा, भैया देखो आप लोग मिल रहे हो तो मिलो, वो ठीक है, कल को मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं आना चाहिए, है ना। नहीं तो आप कल को शिकायत करने लगे कि यार ये फलाना आपकी पहचान का ये ऐसा बोल रहा था, या वो लोग बोलने लगे कि यार वो तुम्हारी पहचान के वो ऐसा बोल रहे थे। तो मैं आज बोल दूँगा भैया कि आप लोग मिल रहे हो मिलो, घूम रहे हो घूमो, लेकिन मेरे पास कोई शिकायत लेके मत आना। वो जब तक बंदा मेरे साथ जा रहा है जब तक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार मुझसे हट के आप अगर उसको एंटरटेन कर रहे हो तो फिर भाई वहाँ पे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, सिंपल। चलो गाइस दिन का 2 बज रहा है अभी, तो मैंने काफ़ी सारे काम ऑफिशियल काम थे वो कंप्लीट किए घर पे बैठे बैठे, और खाना खा के आ जाते हैं। और कल रात को जो फ्रेंड लोगों ने टीच किया तो वो सोच सोच के भी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, तो मैं उसको काम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बी काम। पता नहीं, चलो बाद में देखते हैं। तो भाई शाम का तो ऑलमोस्ट 7 बज रहा है और मैं वापस से अपनी सफरी फ्रेंड की शॉप पे आ गया हूँ वापस से। कल मैंने बिल्कुल कल जैसा ही वो लिया है, रोटी और स्मूदी, स्मूदी उसको दे दूँगा, रोटी ना दूँगा। चलो आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं कल के इंसिडेंट के बाद। वो उसके बड़े भैया ज़्यादा नाटक मत करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? चलो भाई फ्रेंड लोगों से खूब बहस हुई, उसके बाद भैया मैं तो फिर से वापस से घर आ गया, मैंने खाना भी खा लिया, अब घर चलते हैं। गाइस चलो तो घर आ गया था, रात का ऑलमोस्ट 12:30 हो रहा है, तो चलो आज तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करी बिकॉज फ्रेंड लोगों से बहुत सारी बहस ही बहस हो रही थी, वही कल वाला इशू कि मेरे को डिच करके चले गए, तो बोल रहे अब सबके सब झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे कि ना कि अरे कोई नहीं गया, कोई आए नहीं थे, हम लोग नहीं मिले अलग से, थे को ऐसा लग रहा है। मैंने एक चीज़ और देखी कि लोगों ने एक ट्रिक सीखी हुई है कि पहले अपना मनमर्जी का काम कर लो और फिर बात ही मत मानो, ऐसा बोलते रहो कि नहीं हमने नहीं किया हमने नहीं किया, जबकि सारे सारे सबूत सारे फैक्ट्स ये शो कर रहे हैं कि नहीं वो चीज़ हुई थी। तो लोग साफ मना करते कि नहीं नहीं हुई, नहीं नहीं हुई, नहीं नहीं हुई। अरे यार रात में कुत्ते इतने लड़ रहे हैं कि पूछो मत। तो सेल्फी स्टिक निकालता हूँ, सेल्फी स्टिक उसमें रखी, फिर तरीके से ब्लॉग बनाते हैं। ये मेरी अकाउंट की कॉपी है, पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने इसको खरीदे हुए अभी तक नहीं लिखा, तो बस तब भी मैंने डिसाइड किया था कि बस मैं घर आके और पूरा अकाउंट वगैरह सब अपना लिखूँगा। और मैं घर आ गया था 10 बजे से लेके अभी रात का 12:30 हो रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं।
इस कॉपी में चार लाइन लिखने में इतना वेट फील हो रहा है ना कि पूछो मत। हे भगवान, जबकि मैं तो खुद ही बोलता रहता हूँ कि है ना कि खाली सिर्फ जो हमारी जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, उसी का बोझ होता है पूरा, जबकि थिंकिंग तो सिर्फ थिंकिंग है, थॉट है, लेकिन वेट सारा उसी का होता है। अगर जितने भी ज्ञान हम देते हैं ना, उसका अगर 10% भी फॉलो कर लेना, 10% भी, तो लाइफ बिल्कुल हेवन बन जाए, मैं बता रहा हूँ सही। और 12:45 हो रहा है, इस टाइम तक जनरली होता क्या था, 3-4 दिन पहले था कि मेरी एक नैप हो जाती थी, और अभी ऐसा हो गया है कि वो बस एक दिन मैंने गड़बड़ कर दी, एक दिन मैंने है ना जानबूझ के जग कर और मैंने व्लॉग्स वगैरह बना लिए कि नहीं यार नींद वींद कुछ नहीं होता और जो काम है हमें उसे कंप्लीट करना चाहिए, अब उसी के पास चल रहा हूँ। उस दिन से जो रूटीन ख़राब हुआ है तो वो ये कि सुबह के 3:30-4 बजे तक नींद ही नहीं आती, और फिर सुबह 4 बजे सोते हैं तो सुबह लेट उठते हैं 9 बजे तक, तो फालतू में मैंने अपना रूटीन ख़राब कर लिया। अदरवाइज़ 10:30-11 तक ऐसी खतरनाक नींद आती थी कि पूछो मत, सो जाता था और सुबह मेरी 3-4 बजे के आसपास खुल जाती थी नींद। तो ये भी नींद भी बहुत कुछ आपके हमारे बहुत कुछ क्या टोटल टोटल हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी क्या है कि कुछ दिन से मैंने माइंड में थोड़ी सी मैंने कामनेस बना ली है, तो जैसी ही कामनेस बनाई है ना वैसी मेरी नींद गायब हो गई है। अदरवाइज़ वो एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्पॉन्टेनियस टाइप, पूरे टाइम माइंड एक भिड़ा रहता है ना किसी चीज़ में, तो फिर नींद जो है वो बस 10-11 बजते थे और ऐसी नींद आती थी कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता था, लाइक बस सो जाओ। उसी बात से मैं डर रहा था कि एक बार अगर रूटीन ख़राब हुआ तो हो गया, और जैसे ही हल्की सी कामनेस दिमाग में आई है तो नींद गायब हो गई। अब करें तो क्या करें टीचे। तो गाइस मैं बात कर रहा था कि हाँ कि सिर्फ सोचने भर से खाली लाइक हमें हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा हमें स्ट्रेस फील होता है कि पूछो मत, मतलब वो वज़न जो होता है ना वो सिर्फ सोचने का होता है कि यार बस ये 4 लाइन ही तो लिखनी है। ऐसा ही आई थिंक शायद हर चीज़ में होता है, लाइक हमारा जो हेजिटेशन भी होता है ना वो भी बस वो सोच का ही होता है कि लाइक अरे यार वो जो हम बरसों से सोचते आते हैं तो उसका आई थिंक एक बंच बन जाता है माइंड में और बस वो ही हमें रोकता रहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम थोड़ा सा अगर उसके पार चले जाएं तो हमें रिजल्ट्स कुछ और मिलेंगे। हो सकता है कि 2-3-4 बार रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन 5वीं-6वीं बार हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन बस वो एक एफर्ट ही हम पूरी लाइफ नहीं लगा पाते। और मैंने ऐसा देखा है कि मैं जहाँ हल्का सा हेजिटेट कर जाता हूँ ना कि अरे यार बस, वहीं पे मेरा काम गड़बड़ होता है, और बस वो एक सेकेंड दो सेकेंड का जो हेजिटेशन है ना, हाँ जो मैं बात कर रहा था ना कि लाइक कि बस और बस कंप्लीट एक परफेक्शन में बस वो 10% आना बाकी है, तो वो 10% यही है कि ये जो मोमेंट पे जो हेजिटेशन होता है ना बस यही, वो अगर हो जाए तो मेरे बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो सक्सेस हो जाए, जबकि मालूम भी होता है कि खाली हेजिटेशन है, लेकिन वो ज़बान पे आता ही नहीं है। तो अब पिटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए चीज़ें, बिकॉज ये हेजिटेशन तो निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ लाइफ ख़राब हो जाएगी।
लाइफ खराब तो नहीं होगी, बट ये है कि जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे हमको रिजल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे, मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे। तो चलो ये भी करके देखते हैं। तो इसकी शुरुआत हम इसी से करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी यात्रा में वो किया था कि बस सोचो मत, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, और वो मेरी जो यात्रा थी वो पूरी कंप्लीट भी हो गई। लेकिन कंप्लीट होने के बाद मैं फिर भूल गया, मैं फिर वैसा का वैसा ही हो गया। तो बस वो हेजिटेशन निकालने का दिमाग से यही निंजा टेक्निक है कि बस सोचो मत, जो है बस कर दो, करते चलो। क्योंकि अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि लाइक कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। अगर एक बार नहीं होता तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं होता तो तीसरी बार करो। धीमे 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 क्या होगा कि ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और मैंने तो एक चीज़ देखी कि जैसा AI होता है ना, वैसा ही हमारा माइंड भी होता है। हमारी मतलब सारी, जैसे AI में हमें रिकमेंडेशंस आती हैं, तो हम क्या है कि हम जो देखते हैं फिर वही हमारी रिकमेंडेशन आती है। और अगर हमें हमारी रिकमेंडेशंस चेंज करनी है तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा, और हम कुछ और एक एक दिन में वो रिकमेंडेशन चेंज नहीं होती। तो लाइक उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे हम देखते हैं, तब जाके वो रिकमेंडेशन हमारी जो है वो AI जो है वो चेंज करने लगते हैं। ऐसा ही हमारा माइंड है, जो भी हम करेंगे वो हमारा माइंड यहाँ पे स्टोर करते जाएगा, जस्ट लाइक अवर डिफेंस सिस्टम। कि जैसे हमें कोई मारता है तो हमें सबसे पहले सर बचाने की याद आती है, तो वैसे ही हमारा जो माइंड है तो वो यहाँ पे जब हम चीज़ें करने लगेंगे तो वो एज ए हैबिट यहाँ बनना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि वो जो मोमेंट पे जो चूक जाते हैं वो चूकना बंद हो जाएगा, बिकॉज वो मोमेंट पे वो चीज़ें होने लगेंगी। तो चलो ट्राई करते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल अपना ये लिख लेता हूँ, अकाउंट्स, और सी यू लेटर।